तो गाइस बिना इंट्रो के साथ आज मैं वीडियो बनाने लग पड़ा। हमारे गांव में राशन के लाइन लगा है। राशन बोले तो राशन का चिट जो कुछ कागज पे कुछ लिखा रहता है, जैसे कि 2 किलो आटा, 1 किलो चावल वगैरह वगैरह, वही सब लिखा रहता है और उसी का ही लाइन लगा है यहाँ पे। और उस लाइन में मैं भी हूँ, लेकिन मैं लाइन छोड़ के वीडियो बनाने लग पड़ा यूट्यूब के खातिर। और ये है हमारा कुछ दोस्त लोग, ये सुजीत, इसके बाद हमारे यहाँ कुछ और दोस्त और खुद मैं, जो मजाक मस्ती में कैमरा के सामने स्टाइल वाइल मारने लग पड़ा। और यहाँ पे राशन का चिट देना समाप्त हो चुका है, तो अभी गाइस मैं राशन का चिट लेके सीधा घर के लिए निकलता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग राशन वसन लेके अभी हम लोग मैदान की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भाई बकरी चरा रहा है तो उसको बुलाने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो अगर उसके पास ये मैं जो फ़ोन है मेरा और एक फ़ोन उसके पास है उसको दे दिया तो वो गेम ही खेलता जाएगा, टाइम उसके लिए बकवास चीज़ है। तो अभी उसको बुलाने के लिए जा रहा हूँ गाइस। देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक दोस्त सिद्धदेव, यहाँ पे दोनों लड़का यहाँ पे खड़ा है झापू और वहाँ पे रहित, तो ये सब फ्री फायर भक्त है। तो मेरे भाई भी यहाँ पे कहीं ना कहीं छुपा है, तो इसलिए हाँ बोल। फ्री फायर लॉन्ग की बोरिंग गेम, फ्री फायर बोरिंग गेम, तो गाइस ये बोल रहा है कि फ्री फायर बोरिंग गेम है। बीजीएमआई मतलब बोले तो सब गेम ही बोरिंग लगता है मेरे को भी, लेकिन अभी इसको लेके इस सभी को लेके भाई को बुलाने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए गाइस चलते हैं आगे। गाइस वो जो दो लड़का गुस्सा होकर चला गया, बोल रहा है कि उतना दूर नहीं जाएंगे, तो वो दो लड़का चला गया है उसका घर जाने के लिए निकल गया। अभी हम और हमारा दोस्त ये मेरा बेस्ट फ्रेंड सिद्धदेव अभी हमारे पास है, तो अभी हम बुलाने के लिए जा रहे हैं भाई को। तो चलिए गाइस सिद्धदेव आ जा ब्रो। चला सिद्धदेव मेरा बेस्ट फ्रेंड है गाइस, बोले तो मतलब मेरे लिए सभी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड ही है, जो मेरे पास है वो बेस्ट फ्रेंड ही है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो ये हमारा घर के पिछवाड़े में जो खेत है, ये उस खेत का नज़ारा है, बहुत बड़ा है। तो और मेरा भाई मेरे ख्याल से वहाँ रह सकता है या तो यहाँ, पता नहीं कहाँ है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरा फ्रेंड बहुत मजाक करता है गाइस, ये बहुत मजाक करता है, लेकिन फ्री फायर में प्रो है भाई प्रो। तो चलिए गाइस ढूंढते हैं मेरे भाई को वो कहाँ है। तो गाइस हमने सोचा था कि सियालनगर का वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा दोस्त लोग बोल रहा है कि कुछ काम याद आ गया है तो इसलिए नहीं जाएंगे। तो गाइस सॉरी क्योंकि वीडियो नहीं बना पाया सियालनगर के, तो छोट लग रहा है, तो इन लोगों के वजह से मैं सियालनगर नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ पे एक लोग है ये ना बोल रहा है, और मेरा कैमरामैन बोल रहा, मेरा कैमरामैन चला गया है, और मेरा दोस्त आ गया है सिद्धदेव पोर्टल तो जा रहा है, और एक दोस्त रहित आ गया है। तो ये तो कैमरा नहीं पकड़ पाता, फिर भी इसे प्रैक्टिस दिलाऊंगा, लेकिन सॉरी गाइस अगले दिन मैं सियालनगर का वीडियो बनाऊंगा। गाइस ये सब देख सकते हो यहाँ पे कुछ बिल, मतलब ये बिल अलग है और ये ज़मीन अलग है, मैंने बिल बोल रहा हूँ सॉरी, ये ज़मीन अलग है, क्योंकि इस ज़मीन में जो खड़ है उसको जलाया गया है और इस खड़ को अभी जलाया नहीं गया है, इसलिए ये जो ज़मीन है ये काली पड़ चुकी है। मतलब एक तरह से देख सकते हो तो चास का दुरुपयोग कर रहा है, खेत को जला के चास कर रहा है, तो क्या करेगा इस इसी वजह से जो खेत लोग करता है अच्छा खासा खेत नहीं कर पाते हैं, अच्छा खासा फसल नहीं उगा पाते हैं, तो मतलब अगले दिन ही उस खेत का कुछ अलग ही रूप देखने के लिए मिलता है, जितना बोया है उतना नहीं उगता। तो गाइस खेत के बारे में मुझे उतना नहीं पता, फिर भी थोड़ा बहुत लॉजिक दे रहा हूँ। एक खेत भी ऐसा ही है, ये ऐसे देख सकते हो जलाया गया है। तो चलिए भाई को बुला के ले आता हूँ। तो गाइस सियालनगर का ये है लुक, पीछे देख सकते हो बहुत करीब आ गया था, लेकिन अकेला मतलब दो लोग होने के बाद भी हम लोग जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि वो जगह एक डरावनी रहस्यमय है, इसलिए हम लोग मतलब हम दो लोग होने के मतलब बोले तो मेरा भाई भी है, तीन लोग होने के बाद भी हम जाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो जगह ही अलग है, मैं एक जिस दिन वो ब्लॉग बनाऊँगा उस दिन बात करेंगे। तो चलिए मेरे भाई को बुला के घर ले जाता है। तो मेरा भाई फ़ोन लेके मेरा घर वहाँ रह चुका है, वहाँ वो जो पेड़ देख रहे हो, मतलब बहुत सारा पेड़ ये सब
चीज़ देख रहे हो, तो उस जगह पे हमारा घर है और कितना दूर आया है देख लो, बहुत दूर आ गया है। और ये रहा हमारे खेत का नज़ारा, हमारा नहीं है, किसी और का है, वीडियो बना रहा हूँ। और ये रहा वो बेवकूफ, फ़ोन लेके बहुत दूर आ गया था, चल जल्दी चल घर चल, बहुत सड़ी के सिर्फ मोबाइल लेके गेम खेलता है, चल घर चल। तो राइस ये रहा मेरा घर का साइट, और बहुत दूर चला गया था हट हट के आने के लिए, एनर्जी भी लो हो गया है गैस, अभी सीधा घर जाके देखता हूँ क्या करता हूँ। अभी घर से बाहर आ गया, मतलब घर में बकरियों को बांधा तांधा बांध तंत के, अभी सीधा नहाने के लिए जा रहा हूँ गाइस, नहाना है मेरे को, इतने ठंडे में भी हमको नहाना है, इसलिए हम अभी नहाने के लिए जा रहे हैं उस मिनी को। और मिनी को दिखाता हूँ मिनी कैसा है, मिनी दिख रहा है, वो ही जा रहा हूँ नहाने के लिए, तो चलिए गाइस देखते रहिए। तो गाइस हम लोग नहाने के लिए आए थे, मैं आया था, ये जो मिनी है यहाँ पे नहाने के लिए आया था, ये दोनों लड़का भी आया है, एक का नाम है सूर्य, एक का नाम है सुजीत, ये देख लो। तो और यहाँ पे पीछे लाऊ है, लाऊ, लेकिन लाऊ को छोड़िए, नहाने के लिए पानी नहीं है, तो पानी कहाँ से जुगाड़ करे, वही हम लोग दिमाग में खोज रहा हूँ क्या करे। ये तो छुप छुप के बोल रहा है नहाएंगे नहीं, हाँ बोलिए। हम कुछ लोग, मतलब हमारे दोस्त लोग बोल रहा है कि नहाना यहाँ पे इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है, तो अभी घर जाके कुछ जुगाड़ लगाएंगे नहाने के लिए। तो गाइस इस लाव को और इन लोगों को बाई करके चलते हैं घर की ओर, तो चलिए गाइस घर की ओर चलते हैं। ये देखो गाइस, ये देखो यहाँ पे ताला लगा है, मतलब ताला नहीं है, एक कैसा ताला है मुझे भी नहीं पता, तो ताला का छोड़िए, अभी सीधा घर जाके कुछ जुगाड़ लगाता है नहाने के लिए। और ये हमारे ठकरा दादू का तोला है, ये देख लो उसके मेनी के पास वो तोला है। तो चलिए हम लोग अभी घर जाते हैं नहाने के लिए। तो गाइस इतने ठंडे में गाँव धोना मतलब मौत से वापस आना, तो मौत को छूने के लिए जा रहा हूँ। हेलो गाइस, हमारा चैनल Mm-hmm.